नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। अफगानिस्तान पर कब्जा करते ही तालिबान अब सरकार बनाने की तैयारी में जुट गया है। यही वजह है कि आज तालिबान नेताओं ने अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई से मुलाकात की और सरकार बनाने का प्लान सामने रखा। इस बार तालिबान के बर्ताव में कुछ बदलाव देखने को मिला है। दरअसल शक्ति प्रदर्शन के दम पर हुकूमत चलाने की पिछली भूल को ना दोहराते हुए तालिबान नेताओं ने इस बार राजनीतिक मेल मिलाप का संकेत दिया है। टोरो न्यूज ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि इसी कवायद में अफगानिस्तान में तालिबान के नेता अनस हक्कानी ने पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई और देश के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रहे अब्दुल्ला अब्दुल्ला से बुधवार को मुलाकात की। माना जा रहा है कि तालिबान नेता इस बात से वाकिफ हैं कि भले ही उन्होंने बेहद कम समय में पूरे देश में अपना सिक्का जमा लिया हो, लेकिन देश में तमाम धार्मिक जातीय गुटों को साथ लेकर चलने की राह आसान नहीं होगी। यही वजह है कि तालिबान अब कोई गलती नहीं करना चाहता। इसलिए तालिबान ने इस बार अफगानिस्तान में पिछले 20 सालों के दौरान सत्ता में अहम पदों पर रहे नेताओं से मुलाकात की और अपनी राजनीतिक स्वीकार्यता बढ़ाने का प्रयास भी किया। इससे पहले तालिबान ने महिलाओं के प्रति अपने रुख में भी नरमी के संकेत दिए हैं। तालिबान ने संकेत में कहा है कि महिलाओं को पूरा शरीर ढकने वाला बुर्का पहनने को मजबूर नहीं किया जाएगा, उन्हें बस हिजाब पहनना होगा। लड़कियों की पढ़ाई या रोजगार में भी कोई रुकावट न डालने का संकेत तालिबान के शीर्ष नेताओं ने दिया है। तालिबान के बड़े नेता मुल्ला अब्दुल्ला गनी बरादर भी कतर की राजधानी दोहा से काबुल पहुंच चुके हैं। उन्हें तालिबान के लड़ाकों की ओर से जबरदस्त स्वागत मिला है। तालिबान नेता उनके कुछ दिनों में अंतरिम सरकार का ऐलान कर सकते हैं। मुल्ला बरादर को अफगानिस्तान का अगला राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। अफगानिस्तान में पख्तून के अलावा ताजिक, उज्बेक, शिया, हजारा समेत तमाम गुट हैं। ऐसे में तालिबान ने किसी के प्रति शत्रुता का भाव नहीं दिखाया। तालिबान ने अफगानिस्तान की पिछली सरकार के लिए काम करने वाले लोगों को आम माफी भी दे दी है और उनसे सरकारी कामकाज पर लौटने को कहा है। तालिबान ने वादा किया है और कहा है कि हमारे लड़ाके किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।